आपका यहाँ पे माशाल्लाह भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, नियरली 2 साल होने लगे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा शख्स बताएं जिससे कोई फ़ोन पे बात करके, कोई इंस्टाग्राम, कोई टिकटॉक पे अपॉइंटमेंट बना के किससे मशवरा करना चाहिए पुर्तगाल आने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। सर जो पैसे भी मुनासिब लेता हो। सर किसी को एक रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तानी इन पुर्तगाल के पेज पे आएँ, जो क्वेश्चन करना है, अगर कोई नहीं भी है वो पाकिस्तानी इन पुर्तगाल के पेज पे आए, फी सबील अल्लाह वहाँ पे पोस्ट लिखे, उसको कोई पैसे नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो हर किसी के घर पे होता है, तो उधर सिर्फ एक पोस्ट लिखें कि भाई मुझे ये चीज़ की हेल्प चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारे अदील एहसान भाई हैं, शिराज भाई हैं, और भी हमारे जो दूसरे हैं। आपको इस ग्रुप की वजह से कोई फ़ायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ी मुसीबतों से बच गया। और कितने पैसे दिए हैं आपने ग्रुप वालों को? एक एक उन्होंने उल्टा मेरी हेल्प की होगी, मैंने किसी को एक रुपया नहीं दिया। सही है। तो आप ये बताएं मुझे, आप पुर्तगाल के बारे में, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि जी, एक कह रहा है चलो चलो पुर्तगाल, दूसरा कह रहा है भागो भागो पुर्तगाल से। तो आप माशाल्लाह पिछले 1.5-2 साल से हैं, आपके पास अभी रेजिडेंस कार्ड नहीं है। जी जी, आप क्या कहेंगे, चलो चलो पुर्तगाल या भागो भागो पुर्तगाल? सर मैं तो ये कहूँगा कि चलो चलो पुर्तगाल, भागो भागो कहाँ भागो। अच्छा, ये तो ये है कि ये जो मेरा ख्याल ऐसे कह रहे हैं, चलो चलो पुर्तगाल चलो और भागो भागो एजेंटों से भागो, एजेंटों से भागो, क्योंकि हमारे एजेंट हजरात जो है वो अपना मंजन बेचते हैं, उनको डराते हैं, ये करते हैं, आप फ्रांस चले जाओ, आपकी फाइल यहाँ पे हम लॉक करवा लेते हैं, हम हर महीने हमें टैक्स जमा कराते रहो, उनकी भी उनका भी जो चलता है ना सिस्टम का। सही है, एजेंटों को तो बस अलग ही बोल सकते।